अब आपको लगता है कि कौन होगा वो अगला खिलाड़ी जो मतलब कैप्टन बनना चाहिए? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का लग भी अच्छा है, कुछ कैप्टनसी भी अच्छी करते हैं, कैप्टनसी तो कोहली भी अच्छी करते हैं, पर उनका लग साथ नहीं था। कोहली के बाद कौन टीम इंडिया का भविष्य? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। छोटे बच्चे क्या सोचते हैं टीम इंडिया के भविष्य के बारे में? आप ये बताइए कि किसको मानते हैं आप कि कौन कोहली के बाद कप्तान आना चाहिए? बिल्कुल रोहित शर्मा। केएल राहुल को वाइस कैप्टन और कैप्टन रोहित शर्मा को? पंत नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं। इन बच्चों की सबसे बड़ी बात यह है कि इनका ये भी जानना जरूरी है कि फेवरेट खिलाड़ी कौन है, आपका फेवरेट खिलाड़ी टीम इंडिया में? एमएस धोनी। रोहित शर्मा नहीं है? नहीं। तो फिर उसको कप्तान क्या बनाना चाहते हो? क्योंकि उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन केएल राहुल। पंत नहीं? नहीं पंत नहीं। पंत नहीं। इससे पूछने की कोशिश करेंगे, आपका नाम सबसे पहले? आरव। आरव, आरव ये बताइए कि कौन होना चाहिए कप्तान कोहली के बाद? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्यों? वो अच्छी कैप्टनसी करता है आईपीएल में भी। अच्छा, अच्छी कैप्टनसी करता है और अच्छा प्लेयर भी है। अच्छा एक प्लेयर है, चौके छक्के खूब मारता है। हाँ। आपको खूब पसंद है? हाँ। अच्छा, उसके बाद में कौन सबसे अच्छा प्लेयर लगता है आपको टीम इंडिया में? टीम इंडिया में केएल राहुल। राहुल। पंत नहीं अच्छा लगता? अच्छा लगता। लगता है कीपर अच्छा है? कीपर अच्छा है, खिलाड़ी अच्छा नहीं है? वो लपेड़ा। लपेड़ा है यार, ये बड़ी बात है, बोला लपेड़ा है वो खिलाड़ी। यार ये ऐसा तो बोलो, आपको क्या लगता है कि पंत कीपर नहीं होना चाहिए? कीपर होना चाहिए। तो फिर अच्छा खिलाड़ी नहीं है वो? उसमें मैच्योरिटी नहीं है सर। देखो बच्चे, बच्चों की समझ देखिए, आप कुछ बात सुनिए, बस केवल इस बच्चे की उम्र देखिए और इसकी मैच्योरिटी देखिए, क्रिकेट की समझ देखिए, बस और कुछ मत देखिए कि ये बच्चा बोल रहा है। इसको भी इतनी समझ है कि पंत लपेटता है और वो गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता है, मैच्योरिटी नहीं है। आप कुछ मत देखिए, इस बच्चे की क्रिकेट की समझ देखिए। और ऐसा हिंदुस्तान में क्रिकेट का टैलेंट आपको खूब देखने को मिलेगा जब आप बाहर निकलेंगे, मैदान में जाएंगे और बच्चों से मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट के जो भविष्य है, ये ऐसे बच्चों से मिलेंगे तो आपको खूब देखने को मिलेगा। जी देखिए, ये भी यहाँ पर आकर क्रिकेट के गुण सीखते हैं और ये क्रिकेट एकेडमी है गाजियाबाद में, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये छोटे बच्चे क्या सोचते हैं टीम इंडिया के भविष्य के बारे में। आपका नाम सबसे पहले? आरव तोमर। आरव, आप ये बताइए कि किसको मानते हैं आप कि कौन कोहली के बाद कप्तान आना चाहिए? बिल्कुल रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्यों? केएल राहुल को वाइस कैप्टन आना चाहिए। अच्छा, केएल राहुल को वाइस कैप्टन और कैप्टन रोहित शर्मा को? पंत नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। आपका अच्छा सबसे बड़ी बात ये बताइए, देखिए इन बच्चों की सबसे बड़ी बात ये है कि इनका ये भी जानना जरूरी है कि फेवरेट खिलाड़ी कौन है, आपका फेवरेट खिलाड़ी टीम इंडिया में? एमएस धोनी। एमएस धोनी, लेकिन वो तो अभी इस टाइम है नहीं, संन्यास ले चुके हैं। एमएस धोनी के बाद रोहित शर्मा नहीं है? नहीं। तो फिर उसको कप्तान क्या बनाना चाहते हो? क्योंकि उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। उनका वाइस कैप्टन आप जी? कैप्टन रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन केएल राहुल। वाइस कैप्टन केएल राहुल। पंत नहीं। नहीं पंत नहीं। अच्छा, पंत एक्सपीरियंस नहीं है पंत के पास। देखिए ये भी एक, देखिए ये हमारे देश के क्रिकेट की एक बात है, कहते हैं ना कि क्रिकेट को भारत में भगवान की तरह पूजा जाता है खिलाड़ियों को, ये बात है क्योंकि इस तरह के नौजवान खिलाड़ी भी क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं और बताते हैं कि आखिर उनका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। आप बताइए कौन कोहली के बाद कैप्टन? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है? उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा है ना क्रिकेट का। अच्छा ये है बात, उसमें क्रिकेट का एक्सपीरियंस ज्यादा है। पंत नहीं। नहीं। आपको पंत पसंद नहीं है? तो पंत की जगह कौन कीपर आना चाहिए टीम इंडिया? कीपर ईशान किशन। ईशान किशन। सैमसन नहीं? नहीं। पिछले मैच में तो ये अच्छी बल्लेबाजी। सैमसन भी अच्छा ऑप्शन है। हाँ। ईशान किशन या सैमसन में से कोई एक। पंत नहीं होना चाहिए? नहीं। अरे यार मतलब पंत को तो इतना लोग पसंद करते हैं, बोलते हैं धोनी का उत्तराधिकारी मानते हैं उसको। मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी नहीं है, देखिए मैच्योरिटी पंत में बेसिक नहीं हो, लेकिन बच्चों में मैच्योरिटी क्रिकेट को लेकर खूब है, तभी ये इस तरह के जवाब दे।